असलम नाजरीन मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे आज इंतहाई अहमियत के हामिल मौजू के ऊपर गुफ्तु करेंगे और बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहत हैं कि अब रुझान मुल्क छोड़ने का बढ़ने लगा है हम ये देखते थे कि पहले तो सिर्फ नौजवान पढ़ने के लिए मुस्कबिल बेहतर बनाने के लिए तालीम के लिए बाहर जाते थे मगर अब उससे बढ़ कर चीज़ें सामने आने लगी है तालीम तो तालीम अब उसके असूल के साथ साथ लोग जो बेरोज़गार हैं और तलब इल का वक्त गुजार चुके हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं दूसरी जानेब ताजर बरदरी है उनको वो मौाक़े फराम नहीं किए जा रहे टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है उसकी वजह से भी वो परेशान दिखाई देते हैं और वो भी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं साथ साथ स्किलबर की बात करें या प्रोफेशनल्स की बात करें उनका भी रुझान इसी तरफ है आज मगर हम बात करेंगे स्टैट्स के ऊपर कि आखिर कितनी तादाद हो चुकी है किस सन में कितने लोग गए और बिलखसूस इसकी वजूहत भी जानने की कोशिश करेंगे और एक बहुत बड़ा बयानिया है कि जी अच्छा है बाहर जाने वाले डॉलर मुल्क में लेकर आते हैं इस मौकफ़ के ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ एस एन बुखारी साहब हैं एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और साथ यूथ एक्टिविस्ट अंदील अली हैं उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया बहुत है बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा स्टैट्स क्या स्टैट्स बोलते हैं पहले कितने लोग जाते थे अब कितने जाते हैं अगर आपके पास जो तफ्ल है एस एन साहब हमें शेयर करें हमारे नाजरीन भी जाके सुन सकें अली भाई बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी फैक्ट्स की आपने बात की तो अगर मैं uh, 1981 से लेके 2012 तक के आपको फैक्ट्स बताऊं तो अराउंड 5.9 मिलियन लोग जो है वो इस मुल्क से माइग्रेट करके गए इमिग्रेंट हुए कितने साल हो गए ये अर्सा टोटल तो तीस साल का बनता है जिसमें 5.9 मिलियन लोग यहाँ से बाहर के लिए रोज़गार की तलाश में या स्टूडेंट हो गए वो गए वेयर एज अब अगर आप करंट सिचुएशन की आप बात करें पिछले पाँच साल में अराउंड टू पॉइंट सेवन मिलियन लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं कितने मिनट थोड़ा सा ठहर के मैं ताकि नाजरीन सुन सके ना कि क्या थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें मुझे शायद गलत सुनने में अला हो सकता है टू पॉइंट सेवन मिलियन लोग स्टूडेंट जिसमें स्टूडेंट्स हैं जिसमें स्किल्ड वर्कर है आपकी अनस्किल्ड लेबर है आपके एंटरप्रीनोर्स हैं ये टू मिलियन लोग ये मुल्क पिछले पाँच साल में छोड़ के जा चुके हैं अल्लाह अल्ला खैर और अगर अच्छा। हम पिछले तीन साल की बात करें ये स्पीड जो है या ये जो रफ्तार है लोगों की बाहर जाने की या भारत यूरोपीय मालिक में मूव होने की ये हर गुजरते साल के साथ बढ़ती जा रही है पिछले तीन साल में ऑलमोस्ट ये पॉइंट एट मिलियन आठ लाख लोगों से लेके दस लाख लोगों के दरम्या हो गई है एनुल आपके मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान को एनुल बेसिस पे दस लाख लोग या दस लाख बच्चा स्टूडेंट्स स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड लेबर एंटरप्रेन्योर्स ये आपके मुल्क से बाहर जा रहे हैं टोटल अगर हम बात करें इस टाइम पे जो पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क में हैं वो इस टाइम पे अराउंड टेन मिलियन के करीब हैं टेन मिलियन लोग जो है वो पाकिस्तानी हमारे बाहर एग्जिस्ट करते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि दुनिया में एक सौ बीस ममालिक हैं जिनकी पॉपुलेशन इस फिगर से कम है ओ माय गॉड मतलब जितने लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं 120 सौ बीस ऐसे हैं जिनकी इतनी पॉपुलेशन है सिर्फ जितनी उनकी पॉपुलेशन इससे कम है और ये हर गुजरते साल के साथ ये जो हमारी डायस्पोरा की जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जिसको हम बेसिकली कहते हैं ब्रेन ड्रेन तो अगर हम ये सिचुएशन इसमें ये सिचुएशन अगर हम इवेलुएट करें तो ये अलार्मिंग लेवल से बढ़ के एक सिचुएशन है ये सिचुएशन इस टाइम पे पैनिकिंग सिचुएशन है कि हमारी गवर्नमेंट को हमारे इंस्टीट्यूशंस को ये सोचना चाहिए कि इतनी तेज़ी से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं तो जब हम ये सारी ओवरऑल फिगर्स और पिक्चर्स देखते हैं तो हमें दुख भी होता है ठीक है और ये बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं अच्छा फिर आपने दुख की बात की मैं थोड़ी सी बात कथक के लिए माफ माजरत चाहूँगा बहुत सारे हुकूमती सतह पर लोगों का ये मौक़ है बयानियाँ हैं। वो कहते हैं कि दुख रहा है? खुशी की बात है डॉलर आता है ना बाहर जब यहाँ से लोग जाते हैं बाहर तो यहाँ फैमिली है ना उनकी तो वो डॉलर भेजते हैं वो करेंसी भेजते हैं यहाँ पे तो फायदा होता है तो इसमें दुख की क्या बात है अली भाई आ... बयानियाँ है कुछ मौक़ है सरकारी लोगों का अला सतह पर मतलब ये मैं वाजे कर दूँ नाजरीन आपको भी कि ये बात भी की जाती है कि जी यहाँ से लोग जा रहे हैं अच्छा पैसा तो आ रहा है मुल्क में अली भाई इससे इस फिना को बेसिकली कहते हैं कैश गेन बाय द स्टेट एंड ब्रेन ड्रेन बाय द कंट्री ठीक है अगर हम रेमिटेंस की बात करें ऑन पिछले दस साल की अगर हम वैल्यूज रेमिटेंस वैल्यूज देखें फिगर्स देखें hmm. तो एनुअल हमें ट्वेंटी थ्री बिलियन डॉलर इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस आपको मिलता है वेयर एज अगर हम ये ह्यूमन रिसोर्स को जो हमारे जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं अगर हम उनको पाकिस्तान में रिटेन करें और उनके लिए प्रॉपर मौाक़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा करें आई का दौर है आजकल अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक बात करें तो सिर्फ उसकी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो मोर देन 1.93 बिलियन डॉलर है फॉर 2023। मुझे एक बात बताया ना बात ये है कि फिर सवाल ये भी उठता है ना कि पहले तो चले दो दो चार चार लोग चले जाते थे एक घर में एक भाई दूसरा भाई चले गए अब तो फैमिलीज़ की फैमिलीज नहीं जा रही मतलब ये मौके तो फिर भेजेगा किसके लिए अजल साहब अली भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ पहले लोग अपने एजुकेशन के लिए सिर्फ जाते थे एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते थे और उसके बाद वो मुल्क में आके अपने मुल्क में आके सर्व करते थे मेजॉरिटी लोग आते थे और कुछ वहीं पे सेटल हो जाते थे लेकिन अब जो तो सिचुएशन इस टाइम पे करंट एज वी स्पीक इन 2024 की अगर हम बात करें तो लोगों की पहली कोशिश ये है कि वो अपनी फैमिली समेत यहाँ से रिलोकेट बहुत अफसोस तंग बात है हसन बुखारी साहब मेरे साथ ही रहिएगा मैं कोशिश करूँगा कि अब अंदील अली की तरफ जाऊँ यूथ एक्टिविस्ट है अंदील अली थोड़ा बताइएगा ना आज के नौजवान मुस्तबिल को लेकर क्या सोच रहा है पाकिस्तान के अंदर और आपकी क्या जाति राय है आप नौजवानों के साथ आ, काफी अरसे से अरसेज इंगेज हैं एंगेजमेंट है उस पर क्या कहना है जब आपसे बातचीत होती है नौजवानों की वो क्या बात बताते हैं परेशान हैं बहुत अच्छे हैं सुखी हैं ओवर टू यू अन अली बहुत बहुत शुक्रिया आप तो प्रोग्राम के अंदर आपके दावत दी अच्छा नौजवान परेशान तो रहते हैं कि के बारे में लेकिन उसके लिए कई दफ़ा उसकी पीछे वजुहत होती है अवेयरनेस कितनी है यह हमें सब्ज बा दिखाई दे रहे हैं uh, मेरा ताल्लुक नेशनल एजुकेशन सेंटर कराची से है uh, हम पिछले पांच साल से नौजवानों के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं जो कारोबार करना चाहते हैं तो जिनके पास कोई आइडिया होता था था है चाहे वो एनडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या वो दस साल से भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो हम उन पोस्ट जरूर करते हैं कि तो उस आइडिया को जो है एक वायबल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करवाए बल्कि हमारे पास ऐसे नौजवान भी वापस आए हैं जो पाकिस्तान से जा चुके थे जर्मनी से ले गए लेकिन वहां से वापस आए वहां से तालीम हासिल की वहाँ काम किया और फिर पाकिस्तान में आकर कारोबार करना शुरू किया है सो गवर्नमेंट काम कर रही है मुख्तलि तरीकों से और इसके असर जैसे इदारे बनाए गए बल्कि अगर आप बात करें एटीज में तो पेट्रोम जैसा इदारा मौजूद था उसके बाद सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इदारे बनाए गए कि नौजवानों को ट्रेन किया जाए जो मुल्क के अंदर भी काम कर सकें मुल्क बाहर जाके भी काम कर सके लेकिन कोशिश तो हो रही है हर तरह से कि एक तरफ चाहती है स्किल लेबर मुल्क से बाहर जाए और फिर वहां से रिमिटेंसिस आए दूसरी जो हमारे साथ सही कहा कि आई टी एक्सपोर्ट बड़ा मैटर करती है कि यही नौजवान अगर मुल्क के अंदर रह करके वो पैसे कमाते हैं तो वो रेमिटेंस यहीं पे डायरेक्ट आ जाती है देन वो मुल्क से चले जाए या अपनी फैमिली को साथ लेकर के जाए तो उसके पर काम तो हो रहा है लेकिन हमेशा जो है स्पेस मौजूद रहता है हम ये को भी जानना चाहेंगे जिस सतह पर काम करने की जरूरत है उस सतह पर काम हो रहा है एक सवाल दूसरी बात यह कि जो इंपॉर्टेंट है कि एक परसेप्शन क्रिएट होता है ना उसका असर होता है एक जो कहते हैं ना जी बद से बदनाम बुरा तो यह महावरता हम बोलते हैं अक्सर के जी बद से बदनाम बुरा बदनाम जो होगा वो ज्यादा बदनामी की जो चीज है वो अपने सर लेगा तो बात यह है कि इस वक्त जो मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त तो नौजवानों की सोच जिस तरह परेशानी का शिकार है जो उनको तनख्वाहें मिल रही हैं उसमें तो वो सारे बिल तो यूटिलिटी बिल्स में चले जाते हैं वो क्या खाएं क्या कमाएं